¿Él? ¡Nadie se me ha echado! ¡Fury! क्यों बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? फ्यूरी को तुम्हें मारने ही वाला था, पर अब मैं तुम्हें भी मारूंगा। मेरे सामने आ बैक। मैं तुम्हें कुछ नहीं करना चाहता था, पर तुमने मुझे मजबूर किया। तुमने कहा तुम्हें छुट्टियां मनानी है। तुमने कहा मुझे उस लड़की का प्यार पाना है। बचाओ मुझे। एमजे। पीटर, ये सब क्या हो रहा है? ये सिर्फ एक इल्यूजन है, छलावा। अच्छा। एमजे, एमजे। तुम्हें असली और नकली का फर्क भी नहीं पता पीटर। जरा अपने आप को देखो तो सही। छोटे लड़के हो जिसने घटिया सा कॉस्ट्यूम पहन रखा है। मैंने मिस्टीरियो को बनाया जिसके आगे पूरी कायनात सर झुकाएगी, क्योंकि मैं ही सत्य हूं और सत्य ही मिस्टीरियो है। अगर तुम जरा भी लायक होते तो शायद टोनी आज जिंदा होता। तुम्हारी रूह तक चीख रही है कि तुम गलत हो। चुपचाप अपने रास्ते निकल सकते थे, तुमने अपनी टांग में। फ्यूरी, पार्कर जो भी वेक की सच्चाई जानता है वो हर किस बच नहीं सकता, मारा जाएगा। तुमने किस किस को बताया? किसी ना किसी को तो बताया होगा। बस तुम मुझे उसका नाम बताओ। और किसको बताया तुमने? बस मेरे फ्रेंड्स नेट और एमजी को बताया, और नेट ने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया होगा। दैट्स इट। क्या तुम कितने बड़े ना समझ हो? क्या मतलब, वैसे तो समझदार हो, पर हो तो बच्चे ही। तुम्हारे सारे दोस्त भी मरेंगे। तुम अपने आप को जितना चालाक समझते हो उतने हो नहीं। मैं चाहता तो नहीं था, पर अब तुम्हें मरना होगा। एडिथ, बोलो क्वेंटन। जरा पीटर की स्कूल ट्रिप की सारी जानकारी निकालो। उनकी ट्रिप लंदन में ही खत्म होनी चाहिए।